recording is on. ये जो फाइल सेव होगी ना, इसको मैं YouTube पर अपलोड करेगा, ताकि जो बच्चे चार बच्चे हैं वो चैनल पे चले जाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं आर्टिकल। सिक्स क्लास में अपन पढ़ चुके हैं आर्टिकल कि आर्टिकल होते क्या हैं, है ना। आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द, सबसे पहले लेते हैं ए का यूज कहाँ कहाँ होता है। अपन ने वोवल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में सिक्स में पढ़ा था कि जो भी इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26 अल्फाबेट। उन 26 अल्फाबेट में पांच तो होते हैं वोवल्स, पांच तो होते हैं वोवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। पांच तो होते हैं वोवल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। इनको बोलते हैं स्वर, वोवल्स को बोलते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। तो जो पांच वोवल्स हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और जो 21 कॉन्सोनेंट हैं वो हैं बाकी के बच्चे पे, बी, सी, डी, एफ, जी, है ना, एच, जे, के, एल, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y और Z। तो ये जो है ये सारे जो किस वर्ड से हैं इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और जो A, E, I, O, U है इनको बोलते हैं वोवल्स। अब सबसे पहले हमें A का जो यूज करना है, तो जितने भी शब्द हैं आर्टिकल ए का यूज हम करेंगे, तो जितने भी प्रत्येक कॉन्सोनेंट के साथ में, प्रत्येक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से पहले ए का प्रयोग करते हैं, लिखना चालू करना, लिखते भी रहना साथ में। जैसे ए बॉय, है ना, जैसे हमने शब्द लिखा हुआ बॉय, ये लिखा हुआ है डॉग, ये लिखा हुआ है काउ, है ना। अब इन शब्दों के पीछे, इन शब्दों से पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो बी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, ए। इसी तरह से डॉग है, तो डॉग का जो पहला शब्द है वो क्या है, वोवल है या कॉन्सोनेंट है, तो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले भी हम क्या लगाएंगे, ए डॉग, ठीक है। इसी तरह से काउ है, तो काउ का स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, सी से शुरू हो रही है, सी ओ डब्ल्यू, तो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है। अभी मैंने आपको कॉन्सोनेंट और वोवल बताया कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांच तो वोवल है और बाकी बचे हुए सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे जो सी है वो सी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो यहाँ पे भी हम काउ से पहले क्या लिखेंगे, ए, यानी कि अगर हमें आर्टिकल ए लगाना है, अगर वैसे तो केवल ए की ए लिखा हुआ नहीं आता, हमें आर्टिकल के लिए ए लिखा तीनों का यूज करना होता है, लेकिन उनमें भी अगर हमें ए का यूज करना है तो ए का यूज कहाँ होगा, अगर जो भी कॉन्सोनेंट से, कोई भी शब्द जिससे पहले हमें आर्टिकल ए लगाना है, तो वो यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, उसका पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो वहां पे हम ए का यूज करेंगे। इसी तरह से तो पहली बात तो होती है कि प्रत्येक जो ए का यूज करने का जो पहला नियम है वो ये है कि जितने भी कॉन्सोनेंट है उनका पहला अक्षर, जितने भी वर्ड्स हैं उनका पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो वहां ए का यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड नियम जो है, जो दूसरा नियम है
वो क्या होगा कि प्रत्येक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ के का प्रयोग होता है, जैसे कि जितने भी नाउन जो है सिंगुलर नाउन के साथ में, जैसे बॉय सिंगुलर था, अगर मान लो यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है था, अगर मान लो यहाँ पे बॉयज लिखा हुआ है और हमें आर्टिकल लगाना है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बॉयज जो है वो क्या है प्लूरल है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता जैसे चाइल्ड तो ठीक है, बुक सिंगुलर है तो ए बुक, तो इस तरह से सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं और शब्द का वाक्य का कोई भी शब्द यदि उससे कंसोनेंट से शुरू हो रहा है तो वहां हम ए का यूज करते हैं, राइट डाउन है। इसके बाद लेते हैं आर्टिकल एन का यूज। आर्टिकल ए का यूज हो गया, अब आर्टिकल नेक्स्ट है एन का यूज। एन का यूज क्या होता है कि जितने भी वोवल्स हैं प्रत्येक वोवल से पहले एन का यूज होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पांच वोवल्स होते हैं, पांच कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो जो भी शब्द जो है वो अगर शुरू हो रहा है वोवल से, जैसे कि आइसक्रीम ठीक है, ऑनेस्ट अम्ब्रेला, तो आइसक्रीम का जो आई शब्द है वो क्या है वोवल से, तो इससे इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर लेंगे आर्टिकल एन का। इसी तरह से यहाँ पे यू है, यू क्या है वोवल से, तो हम किसका यूज करेंगे आर्टिकल एन का ठीक है। फिर तो पहली बात तो ये कि जितने भी वोवल्स हैं उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि राइट डाउन लिख रहा हूं उसको, यदि वोवल से प्रारंभ होकर उसकी उसका उच्चारण यदि स्वर से शुरू हो रहा है, स्वर की ध्वनि आती है, स्वर की ध्वनि आती है तब एन का यूज करते हैं, तब एन का यूज करते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है जो सेंटेंस है इसको तरह से समझो कि कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द लिखा हुआ रहता है जहां पर हमें एन का यूज करना है, तो उसमें क्या होता है कि अगर वो इसकी स्पेलिंग शुरू तो होती है किससे, कॉन्सोनेंट से, जैसे कि मान लो ये एग्जाम्पल देखो, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय है ना, यहाँ पे मैंने आर्टिकल एन लगाया है, यहाँ पर आर्टिकल एन लगाया है, लेकिन देखो जब इसकी स्पेलिंग शुरू हो रही है इससे शुरू हो रही है एच से शुरू हो रही है, तो एच एक क्या है, एच क्या है वोवल है कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको उच्चारण करेंगे इस ऑनेस्ट शब्द का तो इसको ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे ऑनेस्ट, ओ की आवाज आएगी, ओ की आवाज आएगी, तो ओ की आवाज आने से या यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगेगा
एंड आर्टिकल लगेगा। अब देखो तो ए और एम का यूज कहाँ का होता है, समझ में आ गया? ए का यूज होता है जितने भी सिंगुलर नाउन है उससे पहले आर्टिकल ए का यूज करते हैं। एम का यूज जितने भी वोवल्स है वोवल्स से पहले, वोवल्स कौन से, ए ई आई ओ और यू, ए ई आई ओ और यू, इनसे अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है इन पांचों में से किसी से भी एक से, ए से ई से आई से ओ से यू से, इनसे अगर शुरू हो रहा है हमारा कोई शब्द तब हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, एन का। तो पहली बात तो ये कि अगर इनसे ही कोई शब्द शुरू हो रहा है तो हम एन लगा देंगे, और दूसरी बात ये कि अगर स्पेलिंग जो शब्द है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है लेकिन उसका उच्चारण करते समय हमें स्वर की ध्वनि सुनाई देती है तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल एन का। अब तीसरा जो नंबर आता है वो आता है द को। द का यूज कहां का होता है, द का यूज का होता है देखो किसी भी ऐतिहासिक इमारत के नाम से पहले, ऐतिहासिक इमारत के नाम से पहले, किसी भी ऐतिहासिक इमारत के नाम से पहले आर्टिकल किसका यूज होता है, द। जैसे आई वॉन्ट टू सी द ताजमहल, ताजमहल। और ताजमहल जो है वो क्या है, ऐतिहासिक इमारत है जो कि आगरा में है और शाहजहां ने बनवाई थी अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, तो ये ताजमहल जो है वो ऐतिहासिक इमारत है इसलिए यहाँ पे हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, द। फिर दूसरा नियम समाचार पत्र के नाम से पहले, समाचार पत्र के पत्र पत्रिका के नाम से पहले, पत्र पत्रिका के नाम से पहले कोई भी समाचार पत्र है जैसे अपना राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब समाचार पत्र है, पत्रिका जैसे इंडिया टुडे है ना, तो इस तरह की जो मैगजीन्स है इनके जो नाम से पहले हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द। एग्जाम्पल देखो इसका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ये समाचार पत्र है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, द। तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है तो इसका मतलब ये जो है आर्टिकल द। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया हमारा समाचार पत्र है, न्यूज पेपर है इसलिए यहाँ पे हमने किसका यूज किया, द को। इसी तरह से नदियों पर्वतों महासागरों के नाम से पहले, महासागरों के नाम से पहले भी आर्टिकल द का यूज, जैसे मान लो उसे नदी का नाम है जैसे द गंगा, द गंगा, गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है तो ये यहाँ पे हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे, द। फिर द इंडियन ओशन, द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का मतलब हिंद महासागर है ना, तो इंडियन ओशन है। अब देखो यहाँ पर एक बात आती है कि यहाँ पे मैडम आई से स्पेलिंग शुरू हो रही है इंडियन की है ना, और आई जो है वो एक वोवल्स है तो इससे पहले तो एन का यूज करना चाहिए था, लेकिन इंडियन ओशन जो है वो एक महासागर का नाम है इसलिए महासागर के नाम से पहले हम आर्टिकल यूज करेंगे, द। तो अगर यहाँ पर अगर आप आई देख करके
अगर इस आई को इंडियन ओशन में इस आई को देख करके अगर आप एन लगा देते हैं आर्टिकल, तो ये आर्टिकल अगर एन लगाते ही आई को देख करके अगर आप एन लगाते हैं तो इसको देखते ही ये आर्टिकल एन लगाओगे तो ये एन से लगाओगे क्या होगा डाउन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे दाली राइट होगा क्योंकि इंडियन ओशन में महासागरों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। पवित्र धार्मिक ग्रंथों के लिए पवित्र धार्मिक ग्रंथों के लिए भी इसका यूज करते हैं, जिसका द का यूज करते हैं। और धार्मिक ग्रंथ कैसे, जैसे कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है जैसे महाभारत रामायण भागवत गीता ये हमारे हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ है, तो उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। द गीता द भागवत गीता द भागवत गीता, तो भागवत गीता हमारा पवित्र ग्रंथ है इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल क्या लगाएंगे द लगाएंगे। इसी तरह से जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनका पवित्र ग्रंथ है बाइबिल, तो द बाइबल है ना। यहाँ पे हमें अगर धार्मिक पुस्तक का नाम आ रहा है तो हमें बस द लगा देना है, यहाँ पे ये सोचने की जरूरत नहीं है बी को देख करके कि यहाँ पे ए लगेगा या द लगेगा, तो इसलिए धार्मिक ग्रंथ का नाम है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे द लगाएंगे। तो इस तरह से ये हो गए हमारे आर्टिकल। और देखो द का यूज कहाँ का होता है, जो सार्वभौमिक सत्य के लिए, सार्वभौमिक सत्य जिसको कि हम यूनिवर्सल ट्रुथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, इससे पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे कि द सन, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सूरज जो है वो पूरे संसार में एक है, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे सन से पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। द मून, तो मून से पहले हम इसका यूज करेंगे द, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है छठा पॉइंट सिक्स पॉइंट, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले। अब दिशाएं कौन सी है, चार दिशाएं हैं हमारी, ईस्ट पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तो इन चारों दिशाओं के नाम से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द ईस्ट, अब वही कंफ्यूजन वाली स्थिति है, यहाँ पे अपन ई को देख करके आर्टिकल एन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, तो ईस्ट जो है वो क्या है, दिशा का नाम है, पूर्व दिशा है, उसी नाम यहाँ पे आर्टिकल द लगाएंगे। द वेस्ट, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, तो यहाँ पर भी आर्टिकल द लगेगा। इसी तरह से साउथ पश्चिम दिशा, साउथ, और इस तरह से उत्तर दिशा द नॉर्थ, तो यानी कि दिशाओं के नाम से पहले भी हम आर्टिकल लगाते हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स हैं द का द आर्टिकल का यूज करने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन जैसा कि आपका स्टैंडर्ड है सेवंथ स्टैंडर्ड, तो सेवंथ स्टैंडर्ड में इस तरह से छह सात रूल्स हैं जो कि द को फॉलो करते हैं और मीनिंग से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि मैं किसी भी सेंटेंस में अभी किसी नदी का नाम दे रखा है, किसी पर्वत का नाम दे रखा है, किसी महासागर का नाम दे रखा है, तो वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, है ना। वाक्य में अगर धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक ग्रंथ है किसी भी समुदाय का, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे।
उन स्थानों में सत्य है जो कि संसार में एक ही है, जैसे सूरज एक, चंद्रमा एक, है ना, तो यहाँ से पृथ्वी एक का अर्थ को मान कर भी हम वा का यूज करेंगे। और जैसे मान लो यहाँ सेंटेंस में अर्थ आ जाता है, ई आर टी एच अर्थ लिखा हुआ है, तो अर्थ से पहले भी हम आर्टिकल वा का ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पे ई को देख करके, ई जो कि वोवल्स है, ई को देख करके अगर हम आर्टिकल एन लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए अर्थ जो है वो संसार में एक है, यूनिवर्सल रूप है, इसलिए हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो ये बात हो गई क्लियर कि आर्टिकल जो है वो एक है और दा, इन तीनों का यूज आज हमने पढ़ा कि एक का यूज कब करेंगे, जितने भी हमारे सेवन चल रही अंग्रेजी और जितने भी जो भी आर्टिकल एक का यूज करेंगे तो एक का यूज कैसे होगा, बताया था आपको, वापस रिवाइज कर देते हैं। मुझे एक का यूज होगा, वो एक का यूज कहाँ कहाँ होगा कि जितने भी कॉन्सोनेंट है, जितने भी कॉन्सोनेंट है, कितने कॉन्सोनेंट है हमारे पास, 21 कॉन्सोनेंट। तो 21 कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। और जितने भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन का मतलब एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा कौन सी, बॉय, काउ, डॉग, हॉर्स, है ना, ये जो जितने भी एक वचन संज्ञा है उन सबके बीच लिए हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। एंड का यूज, एन का यूज, जितने भी वोवल्स हैं, जितने भी स्वर हैं, वोवल्स कितने हैं, पांच वोवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये पांच वोवल्स हैं। तो ये पांच वोवल्स से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो पहली बात तो ये कि वोवल्स को देखते ही अगर कोई स्पेलिंग इन पांच से शुरू हो रही है, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांच से अगर कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है तो वहां पर हम इसका यूज करेंगे, आर्टिकल एन का। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, एक विरोधाभास आता है कि वोवल से कुछ जो भी शब्द लिखा हुआ होता है जिसके पहले हमें आर्टिकल एन लगाना है तो उसकी स्पेलिंग शुरू तो किससे होती है, कॉन्सोनेंट से शुरू होती है। लेकिन जब हम उस शब्द का उच्चारण करते हैं, उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तब उसमें आवाज से उसकी जो साउंड है वो यदि वोवल से शुरू होती है तो वहां पर भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोहन इज एन, मोहन इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज एन इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर हम आई को देख करके, यहाँ पे हम आई को देख करके तो हम लगा देते हैं कि ये आर्टिकल एन है, यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आई से इंटेलिजेंट की स्पेलिंग शुरू हुई है और जो कि एक वोवल है, ठीक है। इसी तरह से राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पे हमें इससे पहले आर्टिकल लगाना है, जबकि ये क्या है, ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, एच से शुरू हो रही है, और एच क्या है, एच हमारा कॉन्सोनेंट है, तो एच से पहले उस कॉन्सोनेंट को देखते हुए तो यहाँ पे ए लगेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे ए लगाएंगे तो ये आर्टिकल यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो स्पेलिंग है वो शुरू तो कॉन्सोनेंट से हो रही है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसको ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, ओ की आवाज आएगी। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो ए और एन आर्टिकल में दो बातें याद रखनी है कि ए का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और एन का यूज भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, दोनों का यूज सिंगुलर नाउन के साथ में होगा, ठीक है। लेकिन ए का यूज बिफोर कॉन्सोनेंट होगा और एन का यूज बिफोर वोवल्स होगा।
तो ए और एन के लिए तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, स्वर और व्यंजन वाली, वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाली बात याद रखनी है कि सिंगुलर नाउन होगा दोनों के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए ए और एन दोनों का ही यूज होगा, लेकिन ए का यूज होगा बिफोर कॉन्सोनेंट और एन का यूज होगा बिफोर वोवल्स। और डॉग के लिए अपने जैसा रूल्स लिखे हैं, दिशाओं के नाम से पहले, सार्वभौमिक सत्य से पहले, किसी भी धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले डॉग का यूज होता है। तो इस तरह से जो हमें जो आर्टिकल में जो याद रखने वाली जो बात है वो बात ये है कि जो डॉग का यूज है, डॉग का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो इन पांचों छह पॉइंट को हमें याद रखना है और उसको कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। और ए और एन के लिए जो सिंपल सी बात है वो यही है कि ए का यूज वोवल से पहले, ए का यूज कॉन्सोनेंट से पहले और एन का यूज वोवल से पहले, और दोनों का ही सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस वर्ड लिखा हुआ है बुक्स, जैसे मान लो बुक्स लिखा हुआ है, तो बुक्स से पहले हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बुक के आगे एस शब्द लग गया तो वो सिंगुलर नाउन नहीं होकर के वो प्लूरल नाउन बन गया, बहुवचन संख्या हो गई, वो एक वचन नहीं होकर के वो बहुवचन हो गए। इसलिए हम वहां पर किसका यूज करेंगे? आर्टिकल, वहां पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो बुक्स जो है वो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन से पहले हम ए और एन किसी का भी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप नोट कर लेना और पूछ सकते हैं।